सॉर्टिंग की मशीन है, जैसे हमारे क्लैंप होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, लाइक 15-17 जो इनके यहाँ पे मेंशन रहता है। तो इनकी सेग्रीगेशन के लिए, सॉर्टिंग के लिए बेसिकली मशीन है। अब सपोज मैंने 15 और 17 के क्लैंप मिक्स कर दिए है, अब मैं बेसिकली अपने PLC पे सेट करूँगी जो भी मेरा सिलेक्ट प्रोग्राम है। यहाँ पे प्रोग्राम नंबर है, यहाँ साइज़ है, तो डिपेंडिंग अपॉन सपोज़ मैंने 15 साइज़ करा तो इसके हिसाब से जो मेरे क्लैंप 15 साइज़ के होंगे उस पर ये OC रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, और जो 17 का होगा उसमें NG। मैं सारे मिक्सअप जो क्लैंप थे तो मेरे वही सिस्टम पे डाल दिए, मेजरिंग सिस्टम पे, और फिर मैंने साइकिल मेरी स्टार्ट करी। स्टार्ट करते मैंने एक रैंडम पीस उठाया, अब ये 15 का था तो मेरा रिज़ल्ट ओके आया। अब फिर मैंने एक और पीस उठाया, ये भी 15 का था तो मेरा ओके रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। अब सपोज़ मैं कोई एक सपोज़ मैं 17 का उठाती हूँ तो ये पीस 17 का था और इसने NG दिखाया, ये पीस 17 था। अब देख सकते हैं इन दोनों क्लैंप में वेरिएशन है, 15 वाला छोटा है, 17 वाला बड़ा है। सिमिलरली मैंने अगेन एक और रैंडम स्लॉट उठाया, ये भी 17 है तो एक NG है। ऐसे कर करके वो मल्टीपल स्लॉट उठाता जाएगा और उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता जाएगा। फिर मैंने अगेन 15 का उठाया तो ये ओके है।